तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ। आज हमारी जो रीसेलर स्टोरी आई है वो गुजरात से आई है। गुजरात के एक सेलर की कहानी है जो कि रीसेलर स्टोरी हमारा एपिसोड चलते हैं, आपको काफ़ी पसंद आती हैं तो ये भी एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। गुजरात के एक रीसेलर थे, रीसेलिंग करते थे। हमारी वीडियो देखी उन्होंने, मीशो ग्लो रोड वगैरह से रीसेलिंग स्टार्ट की। पहले उन्हें नहीं पता था कि कौन से रीसेलिंग एप्लीकेशन हैं, वो केवल मीशो के माध्यम से करते थे। उसके बाद हमारी वीडियो देखने के बाद उन्हें और भी रीसेलिंग एप्लीकेशन के बारे में पता चला। एक दिन उन्होंने मीशो रीसेलिंग एप्लीकेशन ओपन किया और उसमें गर्मियों के समय पर एक मच्छरदानी ऑर्डर की किसी कस्टमर के लिए। अब लिखा यह था कि जो मच्छरदानी है वो कॉटन की है, लेकिन वो निकली किसी और की। उसकी क्वालिटी बहुत घटिया थी। जब डिलीवर हुआ प्रोडक्ट तो ये इशू आया कि उनके प्रोडक्ट जैसा उसमें लिखा हुआ था, जैसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था सप्लायर ने, वैसा प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा। अब जब कस्टमर तक नहीं पहुंचा वो प्रोडक्ट, तो उनके लिए आ गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी कि कस्टमर ने प्रोडक्ट तो ले लिया था डिलीवरी बॉय से, जब ओपन करके देखा तो पता चला कि जो डिस्क्रिप्शन दिए हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं पहुंचा। अब भाई उस कस्टमर ने ये गुजरात के रीसेलर को मैसेज किया कि आपने जो जो चीज़ें बोली थी, जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिला। अब उन्होंने बोला, जब वो रीसेलर थे, तो आप एक काम करो, मैं रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए। तो उस कस्टमर ने एक बात बोली कि मैं लॉयर हूँ और आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, मैं आपसे कंपनसेशन चाहता हूँ। अब रीसेलर था, नॉर्मल सा आदमी था। मोस्टली जो रीसेलर हैं नॉर्मल ही हैं, कोई ऐसे एजुकेटेड बंदे नहीं है कि लॉ की अच्छी खासी नॉलेज हो। तो वो कंपनसेशन की डिमांड करने लगे, नहीं तो बोलने लगे हम कोर्ट में केस फाइल कर देंगे आपके नाम से कि आप ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, बोलते कुछ और हो, भेज कुछ और रहे हो। अब वो बहुत डर गए उस चीज को लेके। गलती सप्लायर की थी क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिप्शन सही से नहीं डाला था, प्रोडक्ट की क्वालिटी उस हिसाब की नहीं थी जिस हिसाब से उन्होंने डिस्क्रिप्शन डाला था। लेकिन सप्लायर ने बोला कि मैं पैसे आपको दे देता हूँ, आप प्रोडक्ट भी रख लीजिए और कंपनसेशन की क्या बात है इसमें, मैं तो रिटर्न के लिए तैयार हूँ अगर आपको इशू हुआ है तो। वो ऐसे ही डराने धमकाने लगे। अब उसके बाद उनका मेरे पे मैसेज आया, जब मेरे ये रीसेलर स्टोरी प्रोग्राम उन्होंने देखना शुरू किया तो उनका मेरे पे मैसेज आया और बोला कि रोहित भाई हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि इसमें कोई इशू नहीं है, अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई प्रोडक्ट पहुंचता है कस्टमर तक और कस्टमर को वो प्रोडक्ट, एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता, ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है या कुछ भी इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है जिसमें इफेक्ट है कुछ, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता है तो 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से 10 दिन के अंदर उस पर चॉइस रहती है कि उस प्रोडक्ट को वो रिटर्न करा सकता है सेलर से बोलकर। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे कि मेकअप वगैरह वाले प्रोडक्ट है, वो रिटर्नेबल नहीं होते, लेकिन बाकी के प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं। तो लॉ के हिसाब से ये है कि कोई भी कस्टमर 10 दिन के अंदर रिटर्न करा सकता है। अगर 10 दिन के अंदर वो रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं डालता या सेलर को इन्फॉर्म नहीं करता तो वो केस फाइल कर सकता है। अब मैंने उनसे बोला कि आप तो रीसेलर हो, प्लस आप तैयार भी हो अपने प्रोडक्ट को वापस करने के लिए, रिटर्न कराने के लिए, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने उनको मैसेज भेज दिया है कि हम रिटर्न कर देंगे तो आपके पास प्रूफ भी है, कोई ऐसा केस फाइल नहीं होगा, आप रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दीजिए और उसके बाद डिलीवरी बॉय उनसे सामान ले जाएगा, आप उन्हें पेमेंट कर देना। उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, डिलीवरी बॉय वाला जो पिकअप के लिए डिलीवरी बॉय वाला पहुंचा था उसने पिकअप के लिए बोला, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट नहीं दिया। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कस्टमर को ये लग रहा कि अब वो प्रोडक्ट चला गया, पहले पैसे भी चले गए, दोनों चीजें चली जाएंगी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने जो पिकअप बॉय आया था उसको मना कर दिया प्रोडक्ट देने के लिए और इनको थोड़ा डराते धमकाते रहे। और इसके बाद इनका मेरे पे मैसेज आया, मैंने बोला कस्टमर से बोल दो कि कोई इशू नहीं है, रिटर्न करना था तो रिटर्न आपका 10 दिन में हो जाता था, नहीं तो अब आपका रिटर्न भी नहीं होगा, क्लियरली आप बोल दो कोई इशू नहीं। तो उसके बाद कस्टमर ने उनको ब्लॉक मार दिया और पूरी चीजें वहां पर खत्म हो गई। अब आप जैसे रिटेलर से एक बात बोलना चाहूंगा कि
कि एक तो जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग एप्लीकेशन है सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज, गलत प्रोडक्ट पहुंचा है, रॉन्ग प्रोडक्ट, रॉन्ग कलर या डिफेक्टिव प्रोडक्ट कोई पहुंचा है, रिटर्न रिक्वेस्ट तुरंत डाल दो, उससे बोल दो रिटर्न हो जाएगा और डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग आपको धमकाएंगे लेकिन उनकी धमकियों से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग आदमी हैं, उधर जो सप्लायर वो बैठा है वो भी आदमी है, और गलतियां इंसान से ही होती हैं, कोई मशीन नहीं है, तो गलती हो जाती है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। और आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर कि ऐसे सप्लायर को गलती कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए इन रीसेलिंग एप्लीकेशन को, तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपकी कोई स्टोरी है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकती हैं, जिससे कि हम सभी के सामने उस स्टोरी को ला सकें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबा देना, जिससे ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। और हमारा 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है, उसकी ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।